दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भूपेन नारायण मंडल विश्वविद्यालय अर्थात BNMU अंडर ग्रेजुएट पार्ट वन का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। सो आगे इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरे बारीकी से भूपेन नारायण मंडल विश्वविद्यालय अर्थात BNMU अंडर ग्रेजुएट पार्ट वन का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। मेरा नाम है राजकुमार और आपका अपना ही चैनल राज हेल्प में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। वीडियो आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। दोस्तों भूपेन नारायण मंडल विश्वविद्यालय अर्थात BNMU अंडर ग्रेजुएट पार्ट वन का एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है, उसके बाद आपको गूगल ओपन कर लेना है और गूगल पे टाइप करना है RajHelps.in लिख के जैसे ही सर्च करें तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। अब इस वेबसाइट पे आप जैसे ही आ जाते हैं सिंपली आपको इस तरह से स्क्रॉल करते नीचे की तरफ आना है और जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ देखिए आपको एडमिट कार्ड सेक्शन देखने को मिलेगा और जस्ट इसके नीचे आपको BNMU पार्ट वन एडमिट कार्ड 2023 जारी हुआ डाउनलोड लिंक, इस पर आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। अब इस पे आप जैसे ही क्लिक दोस्तों यहां देखिए एडमिट कार्ड डाउनलोड को लेकर पूरे विस्तार से जानकारी दिया गया, तो आप इन्हें एक एक करके पूरे बारीकी से पढ़ लीजिए। अब जैसे आप पढ़ते नीचे की तरफ आएंगे तो यहां देखिए आपको इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में देखने को मिल जाएगा BA पार्ट वन एडमिट कार्ड, उसका BSc पार्ट वन एडमिट कार्ड, BCom पार्ट वन एडमिट कार्ड, तो जिसका भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं उसके आगे ये जो लिखा है क्लिक हियर, सिंपली आपको क्लिक हियर पे इस तरह से क्लिक कर देना है। अब जैसे आप क्लिक हियर पे क्लिक करें तो इस तरह से आप स्टूडेंट लॉगिन पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आपको जो है एप्लीकेशन नंबर एंटर करना है, उसका दोस्तों यहाँ पे आपको जो है पासवर्ड एंटर करना है और जो भी आपको यहाँ पे कैप्चा देखने को मिलेगा इनका जो भी आंसर आएगा वो आंसर आपको यहाँ पे लिख लेना है। जैसे कि 3+3=6 आएगा तो इस तरह से आपको यहाँ पे 6 लिख लेना है, तो जो भी आंसर आएगा वो आंसर आपको लिख लेना है और उसके बाद आपको लॉगिन बटन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन बटन पे आप जैसे ही क्लिक दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब आपको इस तरह से स्क्रॉल करना है और यहाँ देखिए आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डाउनलोड फॉर्म, सिंपली आपको डाउनलोड फॉर्म पे इस तरह से क्लिक कर देना है। अब आपको इस तरह से स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है और जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ देखिए लिस्ट ऑफ एडमिट कार्ड वाले सेक्शन में देखने को मिल जाएगा यहाँ पे आपका एडमिट कार्ड और यहाँ देखिए एडमिट कार्ड के नीचे यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन देखने को मिलेगा, सिंपली आपको डाउनलोड पे इस तरह से क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपका एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा जो कि मैं सिक्योरिटी रीजन से ब्लर किया हूँ और यहाँ देखिए प्रिंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, सिंपली आपको प्रिंट पे इस तरह से क्लिक कर देना है। अब अगर आपके सिस्टम के साथ प्रिंटर अटैच होगा तो प्रिंट हो जाएगा या फिर मोबाइल से आप यहां पे चेक करें तो इस तरह से आप PDF में आप अपने एडमिट कार्ड को सेव कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इस तरह से यहां पे ADMIT एडमिट कार्ड लिख लिए, तो इस तरह से आप जो सो PDF में डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से भूपेन नारायण मंडल विश्वविद्यालय अंडर ग्रेजुएट पार्ट वन का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।